हेमलेट हेमलेट, ओ भैया आपका हेमलेट। अगर आप इस तरफ आ रहे हो, आपका अगर एयरटेल का सिम है तो भाई पहले से चेंज कर देना, इधर जियो लेकर चलाना, क्योंकि एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, पहला वाला मेरा वाटर क्रॉसिंग, और छोटू सा वाटरफॉल ये पूरा। मेरा हिंदी भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और क्योंकि हम डेली ब्लॉग नहीं करते, पूरा वाइड लेंस में वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल कैसा है। ये रहा वो वाटरफॉल, ला रहे ला रहे ला रहे। तो अभी वो लोग ऊपर नहीं आया, हमारे पास DJI का गिम्बल है, तो ट्राई करता हूँ अभी गिम्बल से थोड़ा शॉर्ट वॉर्ट्स लेने का। अभी हम रुके थे यहाँ पे होटल से, और अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, और फुल सेट है सभी निकलने के लिए, और अपना जैकेट वैकेट यहाँ पे, मैंने हेलमेट वेलमेट यहाँ पे, तो निकलते हैं यहाँ से। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा हाय हेलो नमस्ते। और हम फुलवानी पे हैं आज, यहाँ पे स्टे किए थे रूम पे, तो ये अपना कुछ रूम है वैसा, डबल बेड यहाँ पे लिया था। और हमारा बादल और अभिराम ऑलरेडी जा चुके हैं घर, उनका थोड़ा काम था तो वो पहले निकल चुके हैं, और हमारा बाइक वाइक पूरा अंदर यहाँ पे है, फुल सेट करके पूरा अपना बाइक पूरा यहाँ पे सेट करके रखे हैं, और अभी यहाँ से ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अभी निकलते हैं, अभी जाएंगे दो वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ से घूम के फिर घर जाएंगे रिटर्न। तो अभी हमारा टाइम भी हो चुका है अपना 8:17 हो चुका है, और हम लोग जाएंगे पुतली वाटरफॉल एंड पकोड़ा चरण, दो वाटरफॉल है उसको वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो घर जाते हैं, शाम हो जाएगा पूरा, करीबन 6-7 बज जाएगा। तो अभी फुल सेट होता हूँ, अभी जस्ट पैरों का पहना हूँ, अभी ग्लोव्स और हेलमेट और जैकेट वगैरह सब पहनते हैं, पैकिंग वैकिंग ऑलरेडी हो चुका है, और मैंने अपने बाइक पे भी ऑलरेडी अपना सामान बांध चुका हूँ पहले से। तो कब से रेडी होकर बैठा था, बस निकलने वाला हूँ अभी। तो आज 5 तारीख है, और ये हमारा आई थिंक था हमारा 4th वाला ब्लॉग है ये अपना। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 बज चुका है, और मेरे साइलेंसर में क्या हुआ, डीबी कलर जो निकल गया है वहाँ से, मेरे को अपना डीबी कलर निकालना है वहाँ से और लगाना है वापस। तो डीबी कलर बैग में रखा है, तो उसको लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है बोध में, और सोनपुर में ज़्यादा चेकिंग होता है, तो करीबन फाइन वाइन कट जाएगा, और बहुत लाउड साउंड दे रहा है, हेलमेट में चला भी नहीं पा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं वहाँ से, और पहनता हूँ हेलमेट फेलमेट, आपको बाइक पे मिलता हूँ डायरेक्ट। अभी जाएंगे बाइक कोल्ड स्टार्ट करेंगे बाहर, और फिर निकलेंगे यहाँ से, और हम लोग पूरा बीच टाउन के बीच में रह रहे हैं, और अभी यहाँ से पूरा टाउन घूम के निकलेंगे बाहर। तो चलते हैं फिर, ऑल सेट रेडी होते हैं पूरा, और निकलते हैं यहाँ से। और सभी लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, बस मेरे को जैकेट वैकेट पहन के मेरे को रेडी होना है। वो दोनों तो निकल गए, करीबन 10 बजे तक पहुंच जाएंगे घर वो लोग, दोनों का काम आ गया, तो दोनों निकल गए पहले, और कार वाले तो कल रात से चले गए। जब हम गए थे वहाँ से कॉफ़ी गार्डन से, यहाँ वहाँ से थोड़ा कॉफ़ी वफ़ी लाए थे यहाँ से, मतलब छुपा के, और यहाँ पे एक गुलमरीच होता है वहाँ से लाए थे ये वाला, और यहाँ पे हम कॉफ़ी भी सब ले आए यहाँ से। अभी पहनता हूँ ये सब, सब रेडी हो रहे हैं अभी, पूरा फुल सेट हो चुका है मैं, बस ग्लोव्स पहनना है, और अंदर जो यहाँ पे टी शर्ट पहना है ये वाला, मैंने ये वाला कल मैं खरीद के लिया था वहाँ से दो टी शर्ट। तो आज है जन्माष्टमी, ओ अलग भाई जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी ना जी, तो आज है जन्माष्टमी, उस वजह से मैं कल दो टी शर्ट खरीद के लिया था, ब्लू वाला और एक येलो वाला, और मैं वो बोल नहीं पाया पहले, अभी इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी इसको पहनते हैं, बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे, और देखते हैं रूम में कुछ छोड़ा है क्या, तो रूम का वक्रम देख देते हैं, और कुछ छोड़ा होगा तो पैकिंग करिए, ऐसे तो मेरे को नहीं लगा कोई कुछ छोड़ा होगा। और ये अपना बाथरूम देख लेते हैं, कोई कुछ छोड़ के नहीं गया तो, और सब ठीक है, निकलते हैं फिर। ओ हेलमेट कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे, रूम का कीज लेते हैं और निकलते हैं। हेमलेट हेमलेट, ओ भैया आपका हेमलेट। तो ये यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कि शादी वादी के लिए यहाँ पे भाड़े पे देते हैं, और ये इनका यहाँ पे छोटा सा हॉल है, ऊपर उनका सब है, सभी का बाइक अंदर रख दिए थे। अभी चलते हैं, मैं डीबी कलर यहाँ पे इसको निकालेंगे जैसे भी होगा, आज इसको वेल्डिंग मारना है, और 6:30 या 7 बजे से मैं नहा के बैठा हूँ, अभी तो कुछ नहीं खाया, तब से भूखा था, अभी चलते हैं थोड़ा खाना पाना करते हैं और फिर निकलेंगे। और ये दोनों वाला मिरर बस झूल ही रहा है तब से,
थोड़ा बहुत सेव भी कर रहा है मेरे को, और बस झूल रहा है यहाँ से। बाइक को बाहर निकालता हूँ अभी। तो अभी तक मैंने शायद कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया होगा, आज 5 तारीख हो गया। सभी ब्लॉग अगर अपलोड होगा तो आई थिंक 6-7 से सब ब्लॉग आएगा धीरे धीरे। वन डे गैप करके छोड़ूंगा सब। गोली जी बाबा भाई रे। तो अभी स्पीकर जो था यहाँ पे इसको सेट किए हैं, अभी इसको थोड़ा अच्छे से सेट करते हैं। हाँ ठीक है, नहीं गिरेगा। हाँ अभी कॉल स्टार्ट करते हैं और सभी बाइक का भी कॉल स्टार्ट करेंगे। और मेरे को लग रहा है रात में बारिश हुआ है, हर तरफ गीला गीला है, हर तरफ बाइक वाइक सब गीला है, रोड भी गीला है पूरा। बारिश हुआ है पर अच्छे से, अच्छा खासा। तो अभी टाउन से निकल रहे हैं इस साइड से पूरा, और ये सामने पे कहीं पे वेल्डिंग का दुकान है, तो वहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट को वेल्डिंग कर देंगे। और अपना 4 बाइक है, 6 बाइक थे, अभी 4 हो गए, दोनों एम्प्टी चला गया। तो अभी निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है यहाँ से। और मेरे को लग रहा है बीच बीच में बारिश मिलेगा, कल से बारिश का मौसम भी है और आज बारिश भी हुआ है कल रात को यहाँ से। कल रात को यहाँ पर अच्छा खासा बारिश हुआ है, क्योंकि हम रूम के अंदर थे तो हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हम 9-10 बजे तक शायद रूम में थे, सही बाहर थे, उसके बाद रूम में चले आए थे। तो रात के 12-1-2 बजे के शायद करीब आई थिंक बारिश हुआ है। और अभी पीछे से पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा बाइक पूरा मेरा, और अगर बीच में फिर बारिश हुआ तो फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास हमारा रेनकोट कुछ नहीं है। और अभी फ्यूलिंग व्यूलिंग करते हैं सभी का, अपना सबका टैंक फुल है। रोकी भाई अपने RS पे फ्यूलिंग कर रहे हैं, और फिर अभी जा रहे हैं वाटरफॉल, उस साइड से आएंगे, देन उसके बाद शायद वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि वेल्डिंग का दुकान 10-10:30 को खोलता है। अभी बस 9 बजने वाले हैं, तभी ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और निकलेंगे यहाँ से। अच्छा खासा बारिश हुआ है लेकिन पूरा, अभी मतलब पैरों में पूरा पीछे से पूरा कीचड़ भी ऊपर उठेगा मेरा पूरा पीछे से, क्योंकि मेरा टायर अगर नहीं है पीछे तो कीचड़ पूरा मेरे बैग के मतलब जैकेट के तक पूरा फेंकेगा। अभी बाइक पूरा मेरा बैग है तो बैग में आधा कीचड़ रहेगा और बाकी कीचड़ मेरे पूरा हेलमेट और राइडिंग जैकेट सभी पे गिरेगा अभी। तो वैसे ही घर जाके वैसे भी राइडिंग जैकेट को ड्राइवर्स के लिए देना है, क्योंकि मैं हर एक राइड के बाद ड्राइवर्स को दे देता हूँ जैकेट पूरा अपना, मतलब 6 लॉन्ग राइड पे देता हूँ, शॉर्ट राइड पे 2-4-5-6 शॉर्ट राइड पे देता हूँ, और अगर ऐसा कुछ लॉन्ग राइड रहा तो एक दिन में दे देता हूँ जैकेट को जाके पूरा। तो अभी यहाँ से कहीं पर घुसेंगे फिर, और ये वाला यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ से थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। कल रात को हम लोग बस यहीं पर ऐसे घूम रहे थे बार बार, रात को चाहता तो ब्लॉग भी कर सकता था लेकिन मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इस वजह से आगे पीछे यहीं पे बस घूम रहे थे बस हम सब। तो अभी सभी बाइक पे डबलिंग जा रहे हैं, बस मैं अकेला ही सिंगल जा रहा हूँ, अपना पीछे बैग बांधा हुआ है और अपने मैं एक सिंगल जा रहा हूँ, बाकी सब डबल जा रहे हैं आगे। और ये जो मौसम भी है अच्छा खासा मौसम है, ठंडा भी लग रहा है अभी थोड़ा, क्योंकि कल थोड़ा बादल का ऐसा मौसम था तो उस वजह से थोड़ा ठंडी नहीं लग रहा था इधर, अभी सब ठंड वन लग रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ग्राउंड है, और मतलब जगह अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, हेल्पफुल टाइप के लोग हैं, अच्छा लगा यहाँ के मतलब लोग हैं। और होटल में जितना भी है, खाना पीना कल गए थे जहाँ पे खाने वो भी अच्छा वाला था, उसका नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा क्या था उसका नाम, हाँ होटल गुंजन था। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पर आ रहा होगा, मेरे सब्सक्राइबर कोई भी है, अगर खाना चाहते हो तो लंच हो गया आप होटल गुंजन पर चले जाना, वहाँ पर खाना पीना मस्त है पूरा उसका। अभी यहाँ पे रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे। और उसका लोकेशन है गांधी चौक है, वहाँ पे गांधी चौक है, उससे सीधा पूरा है 200-400 मीटर के आगे वो है। कल रात हम वहीं पे खा के चले हैं, और चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलेंगे, देखते हैं बीच में बारिश मिलता है कि नहीं मिलता है। आई थिंक मिलेगा लग रहा है मेरे को, देखेंगे आगे क्या होगा। और ये शायद रेस्ट्रिक्टेड एरिया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल्स सब है, पर लाइन करके सब है, कलेक्टर ऑफिस सभी यहाँ पर लाइन बाई लाइन है यहाँ पे। और यहाँ का जो खाना बना है, आपको थोड़ी देर पहले बोला था जो अपना होटल क्या था उसका नाम गुंजन, तो वहाँ पे खाने का बेस्ट है पूरा। और हम जहाँ पे रहे थे
वो रूम वाला वो भी बेस्ट है। हाँ बस थोड़ा दिक्कत क्या हो रहा था वहाँ पे, पानी वानी का थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत नहीं है मतलब पानी ख़त्म हो जाता बार बार, फिर मटर अपना जो उनका जो मटर होता है वो लगा रहे थे, बार बार पानी चढ़ा था टंकी पे और बार बार ऐसे मतलब पानी उसका खाली हो रहा था, बार बार उनका पानी बस खाली हो रहा था बस। उसके बाद ये क्या वहाँ पे गाड़ी है, इंजन नहीं है, पूरा टोटल पूरा सेटअप खोल के निकल गया पूरा। कोई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ब्लैक लैब्राडोर। खाने में जितने जगह पे हम लोग खाए हैं अभी बकवास खाना बस लगा, जो गए थे दारिंगबाड़ी में वहाँ पे जो सुबह लंच करने गए थे 4 बजे वही बस मेरे को अच्छा नहीं लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो बाकी सब अच्छा लगा, बच्चों का रिएक्शन पूरा। तो अभी शायद ये वाला जो जाएंगे यहाँ से घाटी का रोड है, ऐसे जिगजैग करके यहाँ पे भी जाना पड़ेगा हमको, घाटी चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। हर जब जहाँ जाओ जिस तरफ जाओ घाटी घाटी है हर तरफ, ऊपर पहाड़ी इलाका है ये। और क्या सही लग रहा है यार पानी यहाँ पे, छोटा सा गया अंदर से अच्छा पूरा, मतलब पानी भी साफ है पूरा, अच्छा दिख रहा है अभी तो, अच्छा भी दिख रहा है पूरा, पानी भी अच्छा साफ है और अच्छा भी दिख रहा था पूरा। और बार बार मेरे को बार बार ये मिरर बस सेट करना है, हर वक्त मिरर मतलब ऐसा सीधा रखो फिर नीचे लुढ़क जाता है। फिर अगर आप इस तरफ आ रहे हो आपका अगर एयरटेल का सिम है तो भाई पहले से चेंज कर देना इधर जियो लेकर चलाना, क्योंकि इस तरफ दारिंगबाड़ी के साइड एयरटेल का नेटवर्क पूरा फुल जीरो, यहाँ पर भी नेटवर्क हर जगह पर कट जा रहा है एयरटेल का पूरा, बस जियो आ रहा है बीच बीच में नहीं आ रहा, लेकिन दारिंगबाड़ी में बस जियो ही आ रहा है और कोई भी सिम नहीं काम कर रहा है। मेरा बस एक सिम काम कर रहा था जियो वाला, वो भी थोड़ा स्लोली है, स्लो स्लो काम कर रहा था, उस वजह से वहाँ से बस स्टोरी वोरी डाल पा रहा था मैं और ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था अगर। और 2 दिन से मैंने इंस्टा पर रील भी नहीं पोस्ट किया, इस वजह से आज सुबह सुबह कर दिया रील पोस्ट, क्योंकि आगे मिले ना मिले शेड्यूल पर डाला था, लेकिन अपना शेड्यूल पर डाला था मैं 10 बजे छोड़ता हूँ तो शेड्यूल पर उसको डाला, लेकिन नहीं हुआ जल्दी से अपना अपना पोस्ट हो गया वो। शायद मैंने शेड्यूल ऑन नहीं किया था, लेकिन कॉन्टिन्यूटर शेड्यूल नहीं मारा तो ऑटोमेटिकली वहीं पे सुबह के 7:30 या 8 बजे तक पोस्ट भी हो गया। तो कोई बात नहीं, हो जाता है ये सब, कम से कम रील चलना चाहिए अपना। और यहाँ पे भी ऐसा ज़्यादा कुछ इतना रील नहीं बना पाया, बस ब्लॉग ही कर रहा हूँ इधर आके मस्त मस्त रील मैंने कॉन्टेंट था माइंड में शूट करने का, लेकिन टाइम भी नहीं हो पा रहा है हमको, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। उस वजह से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे घर, फिर जाके अपना लोकल रील बनाएंगे। यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं बना, छोटा छोटा रील बनाया बस, बाइक का सिनेमेटिक से ले रहा हूँ, क्योंकि जब रील करने जाता हूँ तो अपना फुल गेटअप में नहीं होता हूँ, कभी हाफ पैंट में होता हूँ, कभी टी शर्ट पहन के जाता हूँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है या फिर चप्पल पहन कर जा रहा हूँ उस वजह से। और यहाँ पे जो रोड पे थोड़ा सा छोटा छोटा गड्ढा है, मालूम भी नहीं चल रहा है, अगर आप स्पीड में आ रहे हो तो मालूम भी नहीं चल रहा है बिल्कुल। कल आ रहा था तो मेरा जो फॉग लैंप लगा है उस वजह से मेरे को क्लियरली सब दिखाई दे रहा था, वरना कल ही मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब इतना बाइक जितनी भी बाइक में अपना लाइट है सबसे ज़्यादा लाइट मेरा था, उससे अच्छा खासा मैं आराम से आ पा रहा था। सभी लोग अपना RS का भी लाइट था अच्छा, बाकी सबका भी लाइट अच्छा था, लेकिन इतना व्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था जितना मेरा कर रहा था, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इस वजह से मैंने लगाया था ऐसा लॉन्ग राइड पे जाने के लिए, उस वजह से मैंने लगाया था ऐसा लॉन्ग राइड मारूंगा तो काम देगा। यहाँ पे रुक के सभी लोग रास्ता पूछ रहे थे और यहाँ से अभी यहाँ का घाटी स्टार्ट हो गया, आराम से पूरे यहाँ से घाटी पे जाना पड़ेगा। और बारिश वारिश जो है तो लीनिंग नहीं कर पाऊँगा, लीनिंग वीनिंग किया तो टायर वायर स्लिप खाएगा फिर, तो यहाँ से घाटी स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे के ऊपर जाएंगे पूरा, ऐसे मतलब पहाड़ों पर जाऊँगा, पहले घूम घूम के पहाड़ पर जाना पड़ता है। अच्छा लगता है घाट मतलब ऐसे घाटी के इलाके में बाइक चलाना, लेकिन रिस्की भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे ना रिस्क नहीं है थोड़ा, लेकिन जो फुलवानी में जो घाटी आता है वो था रिस्की घाटी है, क्योंकि वहाँ पे ट्रक व्रक सब आ रहा था, आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा तो। और रोड भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है तो घाटी में वही एक प्रॉब्लम क्या होता है कि हैवी गाड़ी चलाते हैं सामने, और अगर आपका छोटा गाड़ी अगर आप वहाँ पर एक बार रुक गए
और भाई यहाँ पे व्यू चेक करो यार, मस्त सीनरी, मतलब पिकनिक के लिए एकदम बेस्ट स्पॉट है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ पे पूरा मस्त व्यू है, आगे पूरा पहाड़ मस्त पूरा, मतलब मेरे को जन्नत जैसा फील हो रहा है। मतलब ये राइड पे जाओ मस्त, मेरे को जन्नत ही फील हो रहा है। हर तरफ हरियाली हरियाली, व्यू गजब है यहाँ का पूरा। मतलब सब नहीं है बोलने के लिए मेरे पास, लेकिन दिल बड़ा पूरा दिल खुश हो रहा है यहाँ पे सब। हर तरफ हरियाली हरियाली, पहाड़, झरने हैं, फिर अपना क्या होगा ऐसे छोटा छोटा नदी वहाँ पे, और मतलब व्यू तो गजब ही गजब है पूरा। तो ऐसे गांव वैली एरिया में घूमने में ज़्यादा मज़ा लगता है ऐसा टाउन के अलावा। टाउन में ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस दुकान वुकान थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आओ मस्त पूरा पूरा अपना नेचर का मज़ा लेते हुए आराम से जाओ पूरा। बूढ़ा दानी तो ये अपना जो अभी यहाँ से जा रही है बूढ़ा दानी, और यहाँ से फिर हमको कटना है कहाँ पे 9 किलोमीटर क्या है यहाँ के वाटरफॉल पुतुड़ी जलप्रपात, यहाँ से 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा अभी पूरा ऑफ रोड में। कल से इतना ऑफ रोड कर चुका हूँ, मतलब ऐसे रोड पे इतना चला चुका हूँ, अभी कुछ नहीं लग रहा है इस वजह से। कल परसों बस ऐसे ही रोड पे बाइक चलाया हूँ, इसलिए अभी कुछ नहीं लग रहा, आराम से चला जा रहा हूँ इस पर। क्योंकि हम लोग टाउन में चलाते हैं तो इस रोड का हैबिट नहीं होता है, तो थोड़ा अलग अलग लगता है। तो मतलब ऐसा चला लिया आप अगर 100 किलोमीटर ऐसे रोड पे, 100 किलोमीटर नहीं, अगर आप ऐसे रोड पे ऑलरेडी बाइक चला दो 50-60 किलोमीटर तो और आपको कुछ नहीं देगा, उसके बाद कंफर्टेबल मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा उसमें। तो आप इस वीडियो में मतलब अपना ये जो सीरीज है चार या पाँच ब्लॉग होगा ये वाला, शायद 4 ब्लॉग ही हो जाएगा 4 ब्लॉग में। तो बाली बाली है थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, टायर पर झूम रहा है इधर। तो ऐसा अगर इस सीरीज़ में अच्छा खासा आपका सपोर्ट मिला, अच्छा खासा प्यार मिला, तो जितना जल्दी हो सके दूसरा फिर मारेंगे ट्रिप करेंगे अपना, एक्सप्लोर करेंगे जगह जाके, अपना एक्सप्लोर करेंगे हर हर जगह, तो अलग अलग जगह जाके फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, तो अपना यूट्यूब का फैमिली भी जितना जल्दी हो सके बढ़ेगा। क्योंकि अगर मतलब ऐसा कम रहा, अपना यूट्यूब फैमिली नहीं ग्रो कर रहा है कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ मतलब थोड़ा डीमोटिवेट लगता है मेरे को। थोड़ा डीमोटिवेशन होता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कुछ नहीं। अगर अच्छा खासा सपोर्ट आता होता हो, अगर अच्छा खासा सपोर्ट आता है तो कुछ नहीं लगता, मन करता है और जाऊँ ऐसे घूमूँ एक्सप्लोर करूँ छोड़ूँ अपने फैमिली के बाकी सभी लोग भी देखें। तो यहाँ पे पूरा गजब वाला ही रोड है पूरा, यहाँ से पूरा हम ऊपर से जा रहे हैं अभी, आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर होगा। और आपको आते वक्त जहाँ यहाँ से आऊँगा रिटर्न करेंगे तो आपको दिखाऊँगा मतलब नज़ारे। अभी क्या हो रहा है कि मेरे पीछे का जो बैग है वो उससे वन साइड बस हो रहा है बार बार, तो उस वजह से थोड़ा मतलब ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, उसको एक हाथ में मेरे को पकड़ना पड़ रहा है बार बार, तो उस वजह से। तो आते टाइम आपको सही है मतलब अच्छा से अच्छे खासा मतलब व्यू भयंकर भयंकर है पूरा। आप अगर ब्लॉग में देखोगे तो इतना पता नहीं रहे, लेकिन मतलब आँखों में अगर आप रियल में देखोगे तो पूरा लग रहा है कि वो कोई जन्नत का ऐसा प्लेस है। फिर भी आपको ट्राई करूँगा दिखाने के लिए अच्छे से पूरा, क्योंकि आप भी फील कर सको, आप भी थोड़ा मजा ले सको यहाँ का मतलब जो नज़ारा है। और मतलब रोड अच्छा भी है और थोड़ा थोड़ा बुरा भी है, मेरे को बस मेरा बैग का दिक्कत हो रहा है क्योंकि बार बार बैग पूरा वन साइड लुढ़क रहा है बार बार, और राहुल भाई उस साइड चले गए पूरा, क्योंकि बाइक यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जा रहा है, पर झूमते जा रहा है वन साइड बस, मतलब बाइक ऐसे सीधा नहीं जा रहा है, बस उस साइड या फिर इस साइड बस जा रहा है बस सभी का बाइक। क्योंकि मतलब जो इतना तो बड़ा बड़ा मेटल होता है, पत्थर गिरा है वहाँ पे आगे या पीछे का चक्का उठ रहा है ऊपर, तो वन साइड मतलब बाइक को पूरा पेल दे रहा है वन साइड वो पूरा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सब मतलब छोटा छोटा वाटरफॉल है ये वाला सब, अभी पानी वानी नहीं है इस वजह से, नहीं तो छोटा छोटा सब वाटरफॉल है यहाँ से, छोटा छोटा वाला पूरा और ऊपर बड़ा वाला है। और पहले आपको जो नदी दिखाया था उस नदी का जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो होता है सब ये वहाँ से नीचे से गया है पूरा, यहाँ से वो नीचे से पूरा गया है वो नदी। और भाई पीछे जो नज़ारा है भाई भयंकर वाला नज़ारा है पूरा, तो अभी वो आपको दिखाऊंगा जाते वक्त सब।
अभी यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वही जो नदी पीछे था वही नदी का जो पानी आ रहा है वही यहाँ का जो वाटरफॉल है वहाँ से जा रहा है। और ये वाला यहाँ पे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, पहला वाला मेरा वाटर क्रॉसिंग और छोटू सा वाटरफॉल ये पूरा। यहाँ पे थोड़ा देख के बाइक निकाल पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं बाइक थोड़ा स्लिप मारता है। और भाई पूरा हम पूरा मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं पूरा, मतलब बीच में जो ऐसा रोड आ रहा है फिर थोड़ा ख़राब रोड आ रहा है और फिर से अच्छा रोड आ रहा है फिर से ख़राब रोड आ रहा है और बैग पूरा लुढ़क जा रहा है वन साइड क्योंकि उसका जो बेल्ट है वो वहाँ पे स्पीकर बंधा था पीछे पहले तो उसको फिर निकाल दिया क्योंकि बारिश बारिश हो जाएगा। वैसे तो वाटरप्रूफ है लेकिन कीचड़ वीचड़ लग जाएगा वहाँ पे ज़्यादा तो उस वजह से निकाल दिया वहाँ से फिर। और भाई यहाँ से व्यू चेक करो भाई साहब, अगर यहाँ से गिरा ना सच में पूरा डाटा वाइव गुड बाय पर डायरेक्ट ख़त्म पूरा, बचने का कोई चांस नहीं है पूरा। एक पहाड़ के ऊपर है हमें पूरा और ये सामने बस पहाड़ ही पहाड़ है हर तरफ, चलते ही जा रहे हैं जंगल में। अगर अभी कोई भालू या कोई बाघ और कोई ऐसा मतलब कोई हाथी वाती आया तो भाई सोच लेना कहीं जा नहीं सकोगे क्योंकि उन लोगों का इलाका है, ये उनका ही इलाका है पूरा। लेकिन भाई पूरा मतलब व्यू पूरा एक्चुअल में जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा व्यू पॉइंट है पूरा भाई, मतलब जो बड़ा बड़ा पत्थर है उसमें दिक्कत है, छोटा छोटा पत्थर में इतना दिक्कत नहीं हो रहा, वो बड़ा बड़ा पत्थर में क्या हो रहा है भाई पूरा वहाँ से पेल दे रहा है पूरा। और यहाँ पे भी पानी नीचे से गए, वहाँ पे भी छोटा सा वाटरफॉल पूरा छोटू मोटू वाटरफॉल अभी 2-3 दिखा है मेरे को और 2-3 दिखा उसमें पानी नहीं है और ये वाला भी आधा कम पानी जा रहा है पूरा। यहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग, मेरा सेकेंड वाटर क्रॉसिंग ये, भाई साहब पूरा भयंकर वाला है पूरा, वहाँ से आ रहा है पानी पूरा स्मूथली धीरे धीरे करके निकलेंगे पूरे यहाँ से। हमारे रखोल साइड में ऐसा अच्छा अच्छा जगह नहीं है पूरा, एकदम बकवास जगह है उधर, बस पहाड़ और कुछ नहीं, वो पहाड़ है बस केकड़ा खोल उसको बोलते हैं पहाड़ है जो, कुछ नहीं उस साइड कुछ भी है ही नहीं देखने के लिए। और यहाँ पे बस भाई गोप्रो लग गया, कोई दिक्कत नहीं बस बड़ा बड़ा जो पत्थर है वो दिक्कत कर रहा है और छोटा वाला सो चलेगा, बड़ा बड़ा पत्थर क्या पूरा बाइक को जो पेल रहा है पूरा वन साइड पेल रहा है पूरा अच्छे खासा। अगर किसी का प्रैक्टिस नहीं होगा बाइक में से, ओ भाई साहब क्या नज़ारा यार, मैं से नज़र देखे तो उस साइड चला जाऊँगा पता नहीं चलेगा। अभी पूरा खड़ा चढ़ा ये पूरा ऐसे पूरा ऊपर ही उठ रहा है बाइक पूरा, ऐसे पूरा ऊपर चल रहा है बाइक पूरा अभी, मतलब मेरे को ऊपर फील हो रहा है बाइक मेरे को फिर पीछे ढकेल रहा है और चल रहा है पूरा। ये वाला अगर ब्लॉग लंबा हुआ तो इसको भी डबल कर दूंगा ये ब्लॉग को भी, क्योंकि ब्लॉग मेरा देख रहा हूँ बहुत लंबा हो जा रहा है, 45-40 मिनट का हो रहा है, इसको भी डबल कर दूंगा। अगर कुछ हुआ तो डायरेक्ट 20 से इसको काट दूंगा और अलग अलग कर दूंगा सब ब्लॉग। तो मेरे को लग रहा है ये वाला जो वाटरफॉल आया इसका एक ब्लॉक कर दूंगा और दूसरे वाला का और एक ब्लॉक कर दूंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि अनंत तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस साइड का ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से जब निकलेंगे जाएंगे घर तो इस ब्लॉक को वहीं पे एंड कर दूंगा और वो वाला और एक दूसरा ब्लॉक शूट कर दूंगा उसमें, ये तो पूरा दिक्कत होगा। तो ये आ गया पुतुली वाटरफॉल, पुतुली जलप्रपात, स्वागत है आपका यहाँ पे। और ये इनका गेट है, रास्ते से तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई भीड़ होगा क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं पूरा और कोई भीड़ भी नहीं होगा यहाँ पे, पूरा खाली खाली है अभी भी। और यहाँ पे बाइक को रखना पड़ेगा शायद, आगे नहीं जाएगा बाइक, बाइक को पूरा अंदर घुसा दे रहे हैं, थोड़ा लगेगा लगता है नीचे वाला, फिर भी टैग कर रहे हैं अंदर लेने के लिए, निकालने में थोड़ी दिक्कत होगा घुसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगला ऐसे को कौन लागी देखो तो है ना भांगी जीवा पोचकुड़ी खींचो इकट्ठा होता करो
तो अभी पर बाइक थोड़ा नीचे लग गया। हाँ अभी निकल गया बाइक पूरा। वहाँ पर थोड़ा नीचे लग रहा था, वो पत्थर है वहाँ पे, तो वो लग रहा है। बाइक को यहाँ पे रखते हैं और नीचे उतरते हैं। बाइक पूरा भयंकर नदी है यहाँ पे, तो बाइक को थोड़ा आना पड़ेगा। वहाँ पे रखना पड़ेगा ये पत्थर पूरा। तो इन लोगों का बाइक टच नहीं हुआ, मेरा वाला बस टच हुआ वहाँ पे। सीधा 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 हड़े करो हड़े करो। हाँ चलो, किसी का बाइक टच नहीं हुआ, बस मेरा वाला बस टच होने वाला। बस जीटी नहीं आ पाए यहाँ पे, क्योंकि जीटी का थोड़ा डार्कनेस थोड़ा नीचे से कम है। अपना तीनों का चलाया, बस मेरा वाला नीचे थोड़ा लगा साइलेंसर पाइप में, और कुछ नहीं। वो यहाँ पे ये वाटरफॉल है, मैंने पूरा अपना बैग ही खोल के वहाँ से चलाया पूरा दान मूची, क्योंकि बैग में वैसे ही अपना वैसे ही बैग वन साइड हो रहा, तो और एक बार इसको अच्छे से बांधूंगा। और वहाँ पे नहीं रखा तो क्या होगा, तो उस वजह से ले कर चला है यहाँ पे। और भाई भयंकर वाला यहाँ पे पूरा व्यू है भाई, वहाँ टाइप पूरा जन्नत जैसा लग रहा है। पूरा अच्छा खासा व्यू पॉइंट भी यहाँ पे है, और पिकनिक विकनिक करने के लिए भी जगह पर मस्त है। बस थोड़ा नहाने में यहाँ पे दिक्कत है ना, अगर आपको नहाना वहाना है तो उस साइड नहा के चले आना, या फिर यहाँ से उस साइड जाना पड़ेगा आपको नहाने के लिए। हाँ तो फिर पूरा मस्त जगह पे है यहाँ पे, फोटो वोटो पर क्लिक करते हैं और आपको थोड़ी जगह दिखाता हूँ। अभी कुछ इस तरीके से जगह यहाँ पे, ये पूरा आगे जाकर थोड़ा आपको दिखाता हूँ। भाई साहब यहाँ पे पूरा कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए अच्छा है जगह पूरा। यहाँ पे पूरा ये वाटरफॉल यहाँ पे है, ये वाला बड़ा वाला पूरा भयंकर पूरा हैवी, बहुत स्पीड से पानी भी आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा और एक है, यहाँ पे छोटा वाला यहाँ पे है, और यहाँ पे रह गए उस साइड से और पानी आ रहा है, और यहाँ से पूरा जा रहे हैं यहाँ से पूरा। देख लो ये हमारा हाल होगा इसका भैया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अपना पूरा सामान वाउन यहाँ पर रख दिया पूरा फुल सेट, और अब तो फोटो वोटो क्लिक करते हैं वहाँ से निकलते हैं। आपको पूरा जाते वक्त सब नज़र दिखाते हुए जाऊँगा। तो और यहाँ पे भाई ये जो पहाड़ है भाई भयंकर वाला पूरा, ये वाला पहाड़ है यहाँ से, पर कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा इधर, लेकिन भाई गजब ही गजब पूरा व्यू, मतलब पूरा दिल पूरा खुश हो गया देखिए यहाँ पे। जगह ऐसा ऐसा वाटरफॉल होता हमारा उस टाइप, तो मतलब डेली का मेरा आना जाना हो जाता पूरा। बहुत जगह मस्त है पूरा पिकनिक विकनिक, यहाँ पे पानी भयंकर है पूरा, नहाना वहाना होगा तो उस साइड पर कम कम पानी है छोटा, तो वहाँ पे नहा सकते हो यहाँ पे, लेकिन भाई भयंकर वाला पानी है। म्यूज़िक लगा तो उस वजह से बंद थोड़ा बंद करने के लिए बोला, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता मेरे चैनल पे, मतलब इस ब्लॉग में। तो वहाँ पे कुछ लिखा है जय श्री राम, भाई जय श्री राम वहाँ पे लिखा है आपको, यहाँ पे लिखा है कि नहीं मालूम नहीं, तो आपको यहाँ से लिखा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा है जय श्री राम। और नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है पूरा, यहाँ से पूरा मैं आते वक्त फ़ोटो क्लिक करूँगा, अभी आपको पूरा दिखाता हूँ पूरा। और यहाँ से यहाँ पे पूरा नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है पूरा। थोड़ी देर पहले वाइड एंगल ऑन नहीं था, तो अभी वाइड एंगल को ऑन कर दिया, और यहाँ से पूरा नीचे को रास्ता जाता है यहाँ से पूरा। राइडिंग जैकेट भी रख देता, लेकिन क्या होता है राइडिंग जैकेट रख के फिर पहनने में प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से पूरा पहन के नीचे चल रहा हूँ पूरा आराम से। ऊपर आऊँगा बस फ़ोटो वोटो क्लिक करना है, तब खोलूँगा। तो भाई साहब भयंकर वाला नज़ारा यार, भयंकर वाला। यहाँ पे भूसी भूसी सब करते हैं यहाँ पे, पार्टी वार्टी सब आके। अभी थोड़ा पास जाता हूँ आपको दिखाने के लिए वाटर को, थोड़ा देख के भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्लिप हुआ पैर भाई पूरा ख़त्म। उस दिन पैर वहाँ पे स्लिप हुआ भैया थे पकड़ लिए, अभी यहाँ पे कोई नहीं है मेरे को बचाने के लिए, पूरा यहाँ से डायरेक्ट खींच सकते हो नीचे चला जाऊँगा पर डायरेक्ट। यू ऐसे ही मेरा टाइम ही ख़राब चल रहा है हर टाइम। अभी चलते हैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद उस साइड तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वाटर क्रॉस करना पड़ेगा। अभी सूझ बूझ में हूँ, तो अभी खोल वोल के तो नहीं जा सकता, आपको यहीं से पर दिखा देता हूँ। और वो लोग वहाँ पे है सब, वहाँ पे सब हैं, और मैं यहाँ से पर नीचे चला यहाँ।
अभी यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा खासा फोटो क्लिक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कुछ जंप करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ से ये पूरा पानी आ रहा है और वहाँ पे ये वाला थोड़ा छोटा है, वो वाला थोड़ा बड़ा है, वो वाला। और भाई फिर वाला ना मगरमच्छ भी हो गए इस यहाँ पे, जैसा पानी जैसा है पूरा भाई, भयंकर वाला पूरा। और मतलब नज़ारा भी अच्छा है देखने के लिए। और उस साइड बस पहाड़ है उस साइड पूरा, तो हम लोग वहाँ से बस ऐसे पहाड़ से घूम के पूरा ऐसे यहाँ पे पहुँचे हैं। और मतलब हिल पॉइंट एरिया है वन टाइप ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं कि एक तो हिली एरिया है और ऊपर से पर ये वाला वहाँ पे वाला व्यू पॉइंट है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके पूरा। और यहाँ से ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा वरना पूरा डायरेक्ट यहाँ से पूरा ऐसे फिसल के पूरा डायरेक्ट नीचे ही गिरूँगा मैं। और यहाँ से अगर गिरा तो हड्डी बड्डी पक्का भाई टूटेगा। और जाते वक्त भी आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊँगा, इतना हो सके उतना अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करूँगा और उतना अच्छे से बोल के आपको पूरा अच्छे से व्यू दिखा पाऊँ, ट्राई करूँगा उतना। क्योंकि अभी थोड़ा क्या हो रहा है कि मेरा हिंदी भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और क्योंकि हम डेली ब्लॉग नहीं करते, कभी कभार करता हूँ तो उसमें क्या होता है अपना ओडिया लैंग्वेज पूरा है हर टाइम का, तो हिंदी बोलने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हिंदी में थोड़ा इधर उधर थोड़ा थोड़ा होता है उस वजह से। और भाई जगह भाई भयंकर है पूरा, क्योंकि बाकी लोग आते हैं यहाँ पे और उसके बाद थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जाकर ऊपर वहाँ पे थोड़ा फोटो क्लिक करूँगा। और भाई यहाँ पे पानी चेक करो यार, भयंकर उठ रहा है पूरा यहाँ से पानी, जैसा आ रहा है पर भयंकर उठ गया, नीचे गिर रहा है पूरा। अभी वहाँ पे थोड़ा बैठा था मैं और अभी ऊपर थोड़ा चल रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसा देखूँगा थोड़ा ऊपर जाके नज़ारा वज़ारा। और यहाँ पे पूरा पानी जा रहा है भाई साहब, यहाँ पर डर भी लग रहा है क्योंकि पूरा मतलब पैर वैर थोड़ा स्लिप मार रहा है। और यहाँ से उस तरफ जाने के लिए भी रास्ता है, वहाँ से पत्थर पे जा सकता हूँ, लेकिन पैर पक्का गीला हो जाएगा मेरा पूरा। अभी थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ पे, मतलब पूरा दूर दूर तक बस पानी पानी, लेकिन अच्छा अच्छा नज़ारा भी यहाँ पे है देखने के लिए, पिकनिक स्पॉट अच्छा है यहाँ पे। अगर बारिश होता होगा तो मेरे को लगता है पूरा पानी पूरा फुल वहाँ तक चढ़ जा रहा होगा। और हाथ बात पूरा मिट्टी हो गया मेरा पूरा वहाँ पे। चलते हैं थोड़ा आगे धीरे धीरे, ये पानी यहाँ से नहीं जा रहा है वहाँ पे इकट्ठा होके क्या हो रहा है, फिर रिटर्न यहाँ से जा रहा है पूरा ऐसे पूरा घूम के। तो यहाँ से उस साइड भी जाने का मन कर रहा है लेकिन जा नहीं सकता, पैर पक्का स्लिप होगा और पानी पक्का गिरूंगा फिर। अगर पैर जोता वोता सब खोल लिया तो आराम से जा सकता हूँ यहाँ से उस साइड। दूर दूर भाई नज़ारा एक बार चेक कर लो पूरा, आपको भी वहाँ 360 व्यू दे देता हूँ, मतलब 360 में ऐसे पूरा एक अच्छा सा पूरा वीडियो पूरा व्यू दे देता हूँ। सभी अभी नीचे गए हैं, करीब मैं आधा घंटा वहाँ पर रहा, अभी वो लोग वहाँ पे हैं और मैं अभी यहाँ पे हूँ। बस सांस चढ़ गया सीढ़ी पे दौड़ते हुए चलाया, क्योंकि भैया अपना चश्मा भूल गए, मैं पकड़ के ले आया अपने फ़ोटो के लिए, और अभी उनके पास होता तो वो देते भी नहीं, वो अभी वहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक करते होते, तो अभी वो अपना फ़ोटो वहाँ पे क्लिक कर रहे होते, तो वहाँ से उनका चश्मा पकड़ा निकला चुपचाप, जो चश्मे फ़ोटो अच्छा आ रहा है तो इस वजह से। और क्या बोलाते कि जितने लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वहाँ पे आके फॉलो कर देना, क्योंकि मैं जितना भी अब यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहा हूँ रील्स बना रहा हूँ वो सब आपको वहाँ पे आएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप मेरे को इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर देना, मस्त मस्त आपको फोटो दिखेगा वहाँ पे। अभी वो लोग यहाँ से आएंगे और मैं थोड़ा अपना फोटो वोटो यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद निकल जाएंगे फिर, क्योंकि टाइम भी अभी 10:20 होने वाला है अभी, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे तो
कर रहे हैं 5-6 बजे तक लड़ाकू चले जाएंगे, वरना लेट होगा फिर। तो वो लोग आए, उसके बाद मैं फोटो थोड़ा क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाएंगे फटाफट। बस गिम्बल भी है इस बैग में, तो अभी गिम्बल को थोड़ा निकालते हैं और देखता हूँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, और गिम्बल से भी अच्छा खासा थोड़ा वीडियो बनाएंगे। तो अभी वो लोग ऊपर नहीं आया, हमारे पास डीजे का गिम्बल है, तो ट्राई करता हूँ अभी गिम्बल से थोड़ा शॉर्ट बॉर्ड्स लेने का अपना खुद का। यहीं पे इसको खड़ा करता हूँ और ऑटो पे सेट करता हूँ, तो अपना ये थोड़ा ऐसा मतलब मोशन करके लेगा सब। इसको ऑन करता हूँ अभी, तो अभी मैं अपने गिम्बल से शूट कर रहा हूँ पूरा, और अभी मैं जहाँ भी ऐसे घुमाऊँ गिम्बल मेरे पे ही बस फोकस करके रखेगा। तो अभी मैं आलोक भैया को देता हूँ अपना गिम्बल, वो वहाँ से थोड़ा दिखाएंगे आपको अपना व्यू यहाँ से कैसा आ रहा है। झरने पर लग लगते हैं यहाँ पे पास पास में है सब, और आगे जाकर आपको सब दिखाऊंगा, मतलब जो व्यू बोला था आगे जाकर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे वाला व्यू आप चेक करो, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा सभी। और ये ब्लॉग बहुत लंबा होगा, तो इस ब्लॉग को अभी थोड़ी देर बाद एंड कर दूंगा और दूसरा वाला ब्लॉग बनाऊंगा। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं पूरा बाइक में, अपना सामान वामान सब बांधते हैं और निकलेंगे। ये बस ये भैया हमारे पास उस टाइम से बस बाइक ही पहले पोछा मार रहे हैं। अपना बलाव थोड़ा मार दो, उसमें मार दो, उसमें मार दो थोड़ा। और अभी सामान थोड़ा लोड करता हूँ और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो अभी निकल रहे हैं वहाँ से, तो मेरा बाइक पहले फिर लूँगा यहाँ से, देखते हैं नीचे लग रहा है कि क्या। नहीं रहा पीछे पूरा, तो इधर रुकते हैं और अभी जाते वक्त आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और अपना ये ब्लॉग भी एंड करूंगा। यहाँ से जब निकलेंगे बाहर तब ब्लॉग एंड कर दूंगा और दूसरा वाला ब्लॉग बनाऊंगा उस वाटरफॉल के लिए, वो छोटा सा है शायद, तो उसका एक अलग सा वाला बना दूंगा ब्लॉग। तो ये वाला सिर्फ 5 सीरीज हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा छोटा छोटा होगा तो आपको देखने के लिए अच्छा लगेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरिंग बोरिंग लगेगा देखने में। भाई मैं डर गया पूरा, मैं डर गया। अभी निकलते हैं यहाँ से पूरा फुल पावर, अपना फ़ोन वोन सब ले लिया। बस दोस्तों वहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं मैंने, ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं निकाला था पूरा, मतलब ब्लॉग बिल्कुल ही बंद नहीं करूँगा, बस चलते रहना दूँगा कैमरा को। आप बस व्यू चेक करो पूरा, और अभी जाएंगे तो उसका वेल्डिंग होगा तो मार देंगे अपना डीवी कलर का और निकलेंगे फिर। लेकिन भाई साहब एक बार यहाँ से देखो भाई, ये जो नदी है पूरा वहाँ से हम जहाँ से आए वहाँ से पूरा चल रहा है नदी, पूरा हमारे साथ साथ पूरा अपने साइड साइड में चल रहा है पूरा। आपको दिखाने के लिए बार बार गोप्रो इस साइड कर रहा हूँ, फिर आए कुछ नहीं दिख रहा है, फिर सामने देखना पड़ रहा है मेरे को, और मैं ऐसे देखते देखते ऐसे ऐसे पूरा उधर कहाँ पे घुसा दूंगा डायरेक्ट लेके।
अभी मतलब हम वहाँ पे थे तो दो तीन लोग आए थे, ऐसे जितना ज़्यादा कोई लोग नहीं आते शायद यहाँ पे, पिकनिक स्पॉट है शायद दिसंबर के लास्ट में शायद लोग आए तो आएंगे, लेकिन बारिश हुआ तो इस साइड में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल है छोटा छोटा और बाकी अपना जो है क्या कि और बाकी जो अपना वाटरफॉल और जो जहाँ से पानी जा रहा है वाला अगर पानी भर गया तो यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बारिश के मौसम में आप इधर देखने आओगे तो भाई भयंकर ही नज़ारा होगा आई नो, क्योंकि अभी इतना कम पानी में इतना अच्छा लग रहा है तो जब बारिश होगा भयंकर वाला पर पानी जाएगा तो वो वाला तो अलग ही पर लेवल का दिखेगा। मतलब जहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो तब आपको थोड़ा टाइम लगता है और जब आप रिटर्न जा रहे हो तो इतना टाइम नहीं लगता, यहाँ पर फिर देख के चलना पड़ेगा पीछे पानी फिर उड़ेगा। पीछे राहुल भैया का आ रहा है, पीछे पीछे राहुल भैया पीछे आ रहा था, पानी उनके ऊपर गिरा होगा पूरा। और मेरे बाइक के पीछे असर ज़्यादा कोई मतलब चला नहीं पा रहा क्योंकि लाउड साउंड दे रहा है तो कानों में पर दर्द कर रहा है साउंड पूरा, इसलिए सभी को मैं जानबूझ के आगे छोड़ देता हूँ, बार बार पीछे रह जाता हूँ या फिर पूरा आगे चला जाता हूँ, बहुत इतना लाउड साउंड कर रहा है कि पूरा मतलब मेरे पीछे कोई पास में चल के मैं तो मेरे पीछे कोई चला के नहीं आ सकता बाइक पूरा पास में, बहुत साउंड देता है पूरा पीछे, पूरा इरीटेटिंग कर देता है साउंड पूरा। लेकिन हाँ थोड़ा बास साउंड आ रहा है तो इतना इरीटेट नहीं लग रहा है, फिर भी थोड़ा मतलब इरीटेट लग रहा है क्योंकि लॉन्ग राइड में ज़्यादा साउंड बाइक अच्छा नहीं लगता, ऐसे शॉर्ट साइड में साउंड देता है तो अच्छा लगता है, वैसे लॉन्ग राइड में ऐसे साउंड देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप यहाँ पर बस व्यू चेक करो, और इसमें क्या होगा जब एडिटिंग करने बैठूँगा तो छोटा छोटा क्लिप काट दूँगा इससे, मतलब ऐसा जो अभी ये जैसा ये आ रहा है ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्लिप काट दूँगा और बाकी सब अच्छा अच्छा क्लिप इसमें डाल कर दूँगा पूरा। भाई साहब धूल उड़ना स्टार्ट हो गया अभी, ओ भाई 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 बैग को तो अभी टाइट करके पूरा बांधा हूँ, फिर देखता हूँ फिर ना खुल जाए फिर कहीं पर, बार बार थोड़ा अभी बेल्ट लूज़ हो रहा है, आते वक्त लूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे जो बोर्ड का जो रख दिए ब्लूटूथ पीछे रख दिए उस वजह से थोड़ा सा लूज़ हो रहा था बेल्ट। भाई वहाँ से आता पर डाइव उड़ ही जाता पर बाइक स्पीड आता पर बाइक उड़ जाता वहाँ से। हाथी वाथी निकले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग फटाका फोड़ते हैं हाथी को भगाने के लिए, मेरे पास ही फटाका है अपना, एक थ्रोटल दो हाथी भी डर जाएगा क्या है सोच के, लेकिन साला उससे पंगा हो जाएगा उसके बाद पीछे पड़ जाएगा पूरा। जो वीडियो का थंबनेल होगा वो अच्छा वाला मतलब इतना अच्छा अच्छा हार्ड थंबनेल नहीं होगा, नॉर्मल सा थंबनेल होगा सब, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा यहाँ से पूरा भी खाई चढ़े ऊपर और फिर नीचे पर डायरेक्ट। बाइक में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, मतलब खींचने में थ्रॉटल दो पर बाइक निकल जा रहा है साएं साएं करके पूरा भगाते हुए जा रहे हैं जाएंगे। अगर अभी यहाँ पे हिमालयन होता या एक्सपल्स ऐसा कुछ होता या फिर 1250 GS होता तो भाई रोड कुछ नहीं लगता उसके लिए, पूरा साएं साएं करके निकल जाता, अपना वाला सब स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें वो एक प्रॉब्लम है, वो सब ऑफ रोडिंग बाइक है और ये सब टूरिंग बाइक ऑफ रोडिंग बाइक है वो सब, और ये बस स्पोर्ट्स बाइक है। कहते ये वाला नदी है यहाँ से वो नदी जा रहा है पूरा यहाँ से नदी पर जा रहे हैं अपने साइड से, और ये वाला नज़ारा आपको आगे दिखाऊंगा इस नदी का, वहाँ पर मस्त सीनरी टाइप का नज़ारा है पूरा। तो थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था कि व्यू दिखाऊंगा वो ये वाला वो व्यू था, अभी जो सीनरी टाइप का बोल रहा था देखो मतलब चीज़ साइड में नदी जा रहा है पूरा और यहाँ से पूरा नदी जा रही है पास से पूरा भयंकर पानी है, पूरा साफ पानी भी है, पानी ये नहीं कि गंदा है पानी पर अच्छा साफ है पूरा अच्छा खासा, और भाई साफ यहाँ पर पास पास है नदी जा रहा था, ये वाला सीन दिखाने के लिए पहले बोल रहा था जो बोल रहा था सीनरी टाइप का ये वाला वो सीन था। और यहाँ से नहाने वहाने जाने के लिए भी रास्ता है साइड में पानी में मतलब पानी के पास जाने में, तो गांव के लोग तो यहीं से नहाते होंगे और यहीं से अपना पानी वानी भरते होंगे पीने के लिए हो गया नहाने के लिए हो गया सबके लिए।
अच्छा खासा साफ नदी भी है, कोई ऐसा मतलब नहीं कि पोल्यूटेड नदी है, पर साफ अच्छा खासा साफ है नदी पूरा। अब ये पर यहाँ से खड़ी खड़ी चढ़ाई है पूरा, इसे डायरेक्ट ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे उतरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे उतरना है, ऐसे करके भी जाना पड़ेगा। और ये वाला भाई चेक करो, ये वाला व्यू तो अभी अच्छे रोड पे आ चुके हैं अभी, और साइंस सेंटर के निकलेंगे। अभी यहाँ पे 11:20 हो चुका है, और जितना लेट करेंगे यहाँ से उतना लेट होगा वहाँ पे जाने के लिए, वरना फिर घर जाते हुए पर रात हो जाएगा। अभी बस थोड़ा काम है टाउन में मेरा, वेल्डिंग करना है वो, क्योंकि अभी माइलेज थोड़ा मेरे को लग रहा है ड्रॉप हो रहा है। भाई बंदर 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 भाई, पूरा वहाँ से बंदर भयंकर इधर आया पूरा, अभी वहाँ जा रहा हुआ कहीं पर चल गया, चला भी गया अंदर, पर उस साइड से पर कहाँ से निकला पर भयंकर दौड़ते हुए चलाया पर बीच में बाइक के साथ। अभी ये जो नदी है वही नदी है, यहाँ से वो जा रहा है पूरा पानी, ये वाला ऐसे करके यहाँ से पर जा रहा है यहाँ से। अभी आ चुके हैं टाउन में, अभी चलते हैं अपना, देखते हैं कहीं पे वेल्डिंग का दुकान और गैस होल्डिंग का, वो यहाँ पर मारेंगे इसको, उसको वेल्डिंग कर देंगे और निकल जाएंगे यहाँ से, और प्यास लग रहा है थोड़ा पानी वानी पियेंगे और निकलेंगे। यहाँ पे आए हैं अभी डिबिकल का पूरा यहाँ पे कर रहे हैं सोल्डर का वेल्डिंग, इसका यहाँ पे आके इसका काम कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। अभी यहाँ पे रुके हैं सब और बाकी लोग वहाँ पे रुके हैं, अभी इसका काम ख़त्म करते हैं और निकलेंगे यहाँ से। फिर ऑफर का बैटरी भी चेंज करना पड़ा, ख़त्म हो गया था, और अपना डिबिकल लग गया पूरा, ऑफर हारे सेंडर भरा गया, तो अपना गैस होल्डिंग भी कर दिया वहाँ पर, और यहाँ पर गैस होल्डिंग भी कर दिया, और वहाँ पर भाई लोग थे थोड़ा बात बात की, और अपने इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलोस और सब्सक्राइबर थोड़ा मार दिए, सब्सक्राइब करा दिए, वहीं पर भगा के जाएंगे पूरा भयंकर। तो अभी यहाँ से पर भगाते हुए चल रहे हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा और अपना ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर सीरीज 5 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय 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 बाय।